नवंबर का जो दिन है पूरी कंट्री में, जो हमारे पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल का दिन है, तो हमारे यूपिया डिस्ट्रिक्ट में हमने वॉकेथॉन कम प्लॉगिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करके आज ड्राफ्ट पब्लिकेशन दोईमुख डिवीज़न का किया है। और 8 दिसंबर तक हमारा क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, और 12th, 13th, 26th, and 27th of November को स्पेशल कैंपेन करेंगे। जो भी आप अपना नाम एडिशन डिलीशन या कोई चेंज करवाना चाहते हैं, फॉर्म 6, 7, और 8 के थ्रू आप उसको करवा सकते हैं। और अल्टीमेटली ऑन 5th of January हमारा जो फाइनल पब्लिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल है वो हो जाएगा। तो आपके माध्यम से हमारे जितने भी वोटर्स जो बनने वाले हैं उनको मैं अपील करती हूँ, जो भी अक्टूबर 2023 तक 18 ईयर्स के होंगे उनको ज़रूर से अपने आप को रजिस्टर करवा लेना है एज अ वोटर। और उनका जब भी 18 ईयर्स के हो जाएंगे तो हम उनको वोटर आईडी कार्ड दे देंगे। ये पूरी एक्सरसाइज में हम यही इंश्योर करना चाहते हैं कि जो भी वोट देने के लिए एलिजिबल है उसको ज़रूर से वोटर आई कार्ड उसका बन जाए। और साथ ही अभी इस बार हमने एक नई पहल इलेक्शन कमीशन ने शुरू की है कि हम अपना वोटर आई कार्ड को और आधार आई कार्ड को इंटरलिंक करें। उसकी एक्टिविटी हमारे पूरे स्टेट में बहुत ही जोर शोर से हो रही है, और हमारे 54% से भी ज़्यादा मतदाताओं ने अपने आधार को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करवा लिया है। और हमारी यही आशा है और आप सबसे यही अपील है कि जल्दी से जल्दी हमारे जितने वोटर्स जो बचे हैं जिन्होंने अभी तक लिंक नहीं करवाया है वो उसको करवा लें, क्योंकि देश के बड़े बड़े प्रदेश 70%, 80% तक भी पहुँच गए हैं। तो हमें अरुणाचल प्रदेश में भी इंश्योर करना है, और आपके थ्रू हम सभी वोटर्स को ये अपील करते हैं कि आप ज़रूर से उसको इंटरलिंक करवाएं। और देश की जो हमारा देश जो है सबसे बड़ा दुनिया का लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना योगदान निभाएं। धन्यवाद। उसके अंदर 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी आता है, एक दोईमुख है जिसमें आज हमने इलेक्टोरल रोल का ड्राफ्ट रोल दिया है, एक सगाली है और तीसरा ईटानगर है। ईटानगर का पॉपुलेशन बेस काफ़ी अच्छा है और दोईमुख का भी काफ़ी अच्छा है, सगाली भी रिसेंटली है। जैसा मैडम ने बताया आधार लिंकिंग में हमको जो है दोईमुख और सगाली में ऑलमोस्ट लाइक 60% हमारा कनेक्टिविटी इंटरलिंकिंग दोनों का हो गया है, बट अनफॉर्चुनेटली ईटानगर में अभी तक 10% से भी कम है। तो मैं चाहूँगा जो भी लोग आज इस वार्ता को देख रहे हैं वो लोग ईटानगर में अपना आधार लिंकिंग करवाएं और अपना पैन कार्ड एपिक कार्ड को और आधार को दोनों को लिंक करवाइए, जिससे कि जो हमारे बोगस वोटर्स हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे और जो हमारा डेमोक्रेसी है लोकतंत्र है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथ ही मिलेगा उसको, और ज़्यादा हम लोग अच्छे से अपने लीडर्स को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुन पाएंगे। और साथ में जो आज मैडम जो ये इवेंट हुआ है हमारा बहुत ही वॉकेथन एंड प्लॉगिंग बहुत ही एनर्जेटिकफुल इवेंट रहा है, इसमें जो दोईमुख स्कूल है हायर सेकेंडरी इसमें प्रिंसिपल और NSS इंचार्ज का मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने अपने बच्चों को लाया और फुल पार्टिसिपेशन करवाया, और हमने काफ़ी मोर देन 3 किलोमीटर्स का एरिया भी क्लीन किया और काफ़ी कूड़ा भी इकट्ठा किया, ऑलमोस्ट गाड़ी पूरा भर गया है। सो इतना इवेंट एक दिन में करने से काफ़ी एनर्जी मिलता है और बच्चों ने भी काफ़ी साथ दिया है, और बच्चे ऐसे ही हमारे देश के लिए आगे तरक्की करते रहेंगे, भविष्य बच्चों के हाथ में बोला जाता है। तो मुझे यकीन है कि जो हमारा ईटानगर है दोईमुख है उसमें भी सिमिलर एक्टिविटीज़ होती रहेंगी और हम लोग अपने देश को और अपने इलेक्ट्रल रोल को स्वच्छ करेंगे, और जितने भी हमारे इलेक्ट्रल रोल का जो कार्यक्रम है उसमें जितने भी क्लेम और ऑब्जेक्शन है उसको जल्दी से जल्दी डिपार्टमेंट के थ्रू ऑफिस के थ्रू BLOs के थ्रू हमको बताएंगे, जिससे कि इलेक्ट्रल रोल में जो सही वोटर्स हैं उन्हीं का डेटा रहे, और जो उसमें वोटर जो शिफ्ट हो चुके हैं जिनका अनफॉर्चुनेटली डेथ हो चुका है या यहाँ से जा चुके हैं वो लोग वहाँ से डिलीट किए जा सकें। जैसे कि मैंने बताया कि अक्टूबर 23 में ये जो 18 ईयर्स होने वालों का भी एडिशन होगा, तो उनको एडिशन करने के लिए सगाली तो इंटीरियर है और दोईमुख में आप लोग किस तरह से करेंगे सर? देखिए फॉर्म जो है वो काफ़ी तरीके से भरा जा सकता है, सबसे इजी तरीका BLO के थ्रू होता है, तो हर किसी स्कूल में जितने भी एरिया है BLO का डिटेल जो वेबसाइट पर अवेलेबल रहता है कि उसका मोबाइल नंबर उसका कॉन्टैक्ट डिटेल, वहाँ जाके आप फॉर्म 6 भर सकते हैं नया फॉर्म भरने के लिए। और सबसे भी आसान तरीका है NVSP पोर्टल रहता है, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, उसमें जाके आप अपना डिटेल खुद ही भरेंगे तो उसके 21 डेज़ का जो लीगल टाइम है उसके बाद आपको इलेक्ट्रल कार्ड उसके बीच में आपका सर्वे वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा डिपार्टमेंट के थ्रू BLO के थ्रू, उसके बाद आपको इलेक्ट्रल वोटर कार्ड मिल जाएगा।